हाँ जी डोवाल जी विली हो जाए विली। UK07 राइडर को तो जानते ही होंगे। और ये देखो UK07 का हस्ती बेटे, तू उसी की हस्ती है। चैट्स तेरे से लीक हुई है क्योंकि देखो भाई हर कोई किसी का फोन चेक नहीं करता। मोटो ब्लॉगर कैसे बना दिया जिसको कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है, स्किल्स ही नहीं है। तो फाइनली हल्द्वानी पहुंच गए और हम किससे मिलने जा रहे हैं पता है किसी को? नहीं पता तो भाई नेक्स्ट वीडियो को इंतजार करना और नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें देखने को मिलेगा एक स्टार। टू माय चैनल। सो अभी हम लोग जा रहे हैं हल्द्वानी को और ये प्लान हमारा एकदम रैंडम सा बना अभी स्टार्ट फटाफट करके। तो ये प्लान हमारा एकदम से बन चुका है घर से। सो फटाफट अभी हम लोग तैयार वगैरह हो चुके थे। सो अभी अपने साथ जो है अमन भंडारी है एंड एक और भाई है अक्कू। सो ब्रो ले बेटा, रख दो इसी में, रख दो मेरे बैग में रख दो। भाई कहाँ की सवारी है? सीधा देहरादून से हल्द्वानी जा रहे हैं भाई। दो दो दिनों से आ रही है हल्द्वानी और हम पूरे रेडी होके आ रहे हैं। बाकी तो ऐसे ही आ रहे हैं क्योंकि हमें पता है रास्ते में हम लोगों ने ना बहुत ज़्यादा गंदा होता ना, तो सीधा करके तुम कैमरे मिल दो। और गाड़ी अपनी गोल्ड स्टार्ट हो चुकी थी, मैं भी एक राउंड गया था दुकान तक और वहाँ से आया, फिर अब हम लोग निकल रहे हैं। लेट्स गो बॉयज। चलो ठीक है मम्मी, बाय मम्मी, बाय। हाँ जी दादी बोली कि बताया नहीं। तो बॉयज बाय मम्मी। तो बॉयज हम लोग चले हल्द्वानी की तरफ को और अपने साथ है दो दो तीन दो दो। देखो भाई हल्द्वानी की रोडों में जा रहे हैं, यहाँ तो देखो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है लेकिन हमने प्लान कर दिया कि दोनों जीनों से लेके चलते हैं हल्द्वानी और वहाँ पे अपने भाई लोग भी हैं वो भी मिलेंगे तो भाई लोगों से भी मिलाते हैं। ओके बॉयज बड़ी नीचे सीधे चलो दो रास्ते में तुम्हें जाते जाते चलो किसी का घर दिखा दो। अपने घर से दिखा दो अपने स्ट्रीट का बंदा, ये पता नहीं कहाँ रहा था अपने स्ट्रीट का बंदा आजकल। ओ बॉयज मेरी सुपर बाइक में पहली राइड होने वाली है जो हल्द्वानी को होने जा रही है। चलो बॉयज अरे 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 ये तो रस्ते के बीच में हैक हो गया था भाई। हम ना घर से निकले ही थे और रास्ते में भाई एक वो पड़ता ना हमारे यहाँ सतनाम ढाबा, तो भाई ना रुक गया यहाँ पे और रुकते हैं यहाँ देखो परांठा कह रहा रात तक हमारा पेट भर गया। अच्छा भाई एक बात सच बता दूँ, ये चिप तो बहाना था तुम्हें ना घर में खाना खाना था सही? अरे नहीं नहीं खाना नहीं खाना था। तुम खाना खा रहे थे घर में? मैंने उस समय खाया था जब मैं घर पहुँच गया था, फिर मैंने कॉल किया नहा धोया फिर निकला। चिप तो फिर निकालना है, चिप लेने जानी है यार। मेरा एसडी कार्ड ना भर चुका है और एक नया खरीद रहा हूँ, तो अभी वो भाई दुकान तक पहुँच रहा है तो फटाफट मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि मैंने खा रखा है तो मेरे पे नहीं है। जगह जगह पे रुकना भी तो है ना, वाइप्स भी तो लेनी है। तो गाइस फटाफट खाना खा रहे तो निकलते हैं फटाफट करके और जहाँ कह रहे सरप्राइज है क्या बॉयज? इंस्टाग्राम में जो नहीं है वो आते रहो इंस्टाग्राम में और देखते रहो हमारी स्टोरी और हमें बताओ तुम लोग कहाँ से मिलते हैं। टाइम देख सकते हो 3:30 हो रही है और अभी लंच वगैरह कराया लॉन्डो ने और फटाफट करके हम लोग निकल रहे गाइस। अभी सीधा लगानी है पहले पेट्रोल पंप में और पेट्रोल पंप के बाद हमें सीधा हाईवे पकड़ना है पहले क्योंकि हमें जल्दी निकलना पड़ेगा, शाम ज़्यादा लेट भी हो जाएगी क्योंकि हमें जाना है हल्द्वानी। ओहो दोनों लाउड गाड़ियाँ जा रही है भाई, दोनों 900 जा रही है। इसे स्टार्ट हो चुके हैं बिलिया मारना, बाकी हल्द्वानी में तो बहुत मज़े करने वाले हम लोग।
मैं काफी दिनों से प्लान बना ही रहा था कि कहीं चलते हैं पहाड़ों साइड, और ऊपर वाले ने चाहा तो हम लोगों का प्लान बन चुका है। एंड पेट्रोल भी बहुत ज्यादा कम है, देखता हूँ कहाँ तक चल जाएगी अपनी गाड़ी। लेट्स गो। भाई साहब बॉयज, अपनी गाड़ी पे फ्यूल अप हो चुका है और ये पहला फ्यूल अप होने वाला है अपनी गाड़ी का, जो अपने यहीं से करवा रहा हूँ मैं। एंड अब देखते हैं कितना मुझे एवरेज देती है Z900। लेट्स गो। ये देखो देखो भाई, सीधे घुमा दी। देखना नहीं है क्या इधर उधर? फोन चला रहा है ड्राइवर फोन। फोन चला रहा है ड्राइवर, देख रहे हो भाई? कुछ भी कहो, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा। इस गर्मी में भी इतना ज्यादा ट्रैफिक है यार। मर्सिडीज वाले भी घूमने आ रखे हैं हॉलीडेज करने। भाई साहब यार देखो, 23 का एवरेज दे रही है Z900। कौन कहता है कि Z900 एवरेज बेकार देती है? मेरे सामने बुला देना उसको। साउंड और बाइक, यही तो प्यार है। अजा भाई आ जा। भाई चैनल का नाम पूछ रहे हैं। चलो हम लोगों को ना सही रास्ता मिला है, वरना गूगल मैप ने हमें फ्लावर घुमा दिया था। 5-6 किलोमीटर दूर थे पीछे, और इसकी स्माइल देखो यार, वो बंदा खुश हो गया। ठीक है भाई, छी। ट्रैफिक तो बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा। मैं तो इतना ही बोलूंगा भाई, जो लोग घूमने जा रहे हैं कार में जाना, क्योंकि एसी की हवा खाते हुए जाना, वरना मत जाना, घर पे रहना। चलो यहाँ से रास्ता तो मिला हमें, वरना हम सिंगल लेन में चल रहे थे, दोनों तरफ से गाड़ी आ रही थी। तो मैंने इंटरकॉम पे ना म्यूजिक लगा रखा है, और मज़ा भी आ रहा है म्यूजिक के साथ साथ। हमारा पहला ब्रेक है जो कि हमने यहाँ पे लिया है चिड़ियापुर पे। अब मेरे को नहीं पता ये चिड़ियापुर कहाँ है, तुम लोगों को आइडिया है तो मेरे को बता देना कमेंट में। बाकी अभी यहाँ पे रेस्ट कर रहे, पानी वगैरह पीते हैं, और उसके बाद तुरंत निकलते हैं, क्योंकि हमें पता है हम रात तक ही पहुँचेंगे भाई वहाँ, क्योंकि 220 किलोमीटर है अभी।
सारे लोग ऐसे देख रहे हैं ना जैसे पहली बार आई होगी यहाँ पे तीनों तो। बंदा मेरे को ना देखो एक बंदे का सीन दिखाता हूँ। तुम सब था UK07 राइडर को तो जानते ही होंगे। और ये देखो UK07 का हस्ती बेटे, तो उसी की हस्ती है। तुम असम क्या लिखा है भाई ने, फर्स्ट फैन पेज ऑफ असम फॉलो बाय अनुराग डोभाल। तो ये उसी बंदे का पेज है, इसका बहुत बड़ा ग्रुप है। मैं सच बताऊँ इनका बहुत बड़ा ग्रुप है। और ये जो चैट्स दिखा रहा है ना, इसकी रियलिटी ये थी ब्रो कि जहाँ से था UK07 राइडर रहने वाला है ना, मेरा घर भी वहीं पे है प्रॉपर। और हम लोग एक ही स्ट्रीट के लोग हैं, पहाड़ के लोग हैं। इन लोगों का ये कहना था कि हम लोगों से आगे देखते हैं कौन जाता है। मैंने कहा भाई समय सब बदल देगा, सब चेंज हो जाएगा। और वही सब हो रहा है अभी। बहुत ज़्यादा भाई लोगों को ना डाउनफॉल आ चुका है, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल। और मैं नहीं चाहता था कि इन लोगों के बीच में ऐसा हो भाई। अब एक स्ट्रीट के लोग हैं, काफ़ी सारे लोग जानते हैं। मेरा तो यार बचपन ही अपने स्ट्रीट से हुआ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता ब्रो। बस जो तू ये चैट्स तेरे से ही लीक हुई है, क्योंकि देखो भाई हर कोई किसी का फ़ोन चेक नहीं करता। सच बात ये, कोई किसी का फ़ोन चेक नहीं करता, ये खुद ही वहीं से लीक करवाए जाते। कर ले भाई, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं तो अपना चिल गाय हूँ यार, मेरे को तो मज़ा आता है। मैं चार दिन लोग याद करेंगे, पाँचवें दिन भूल जाएंगे। कुछ चूतिए लोग आएंगे, उनको यही कहूँगा भाई अगर तुम्हें इतनी नफरत है, इतनी हेट करनी है ना, पहले पूरी स्टोरी जान लो और उसके बाद तुम मुझे नफरत करो या कुछ करो, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता ब्रो। अगर तुम्हारे घर में भी माँ बहन है ना, तो सोच समझ के मेरे को कुछ कहना। मैं नहीं मानता इनके घर में होता कोई तो भाई ये ऐसी हरकतें ना करते टुच्ची वाली। बाकी तो नगीना पहुँच चुके हैं ब्रो, हम लोग तो मज़े से चिल करते हुए अपनी राइड कर रहे हैं। बाकी मैं इतना ही कहूँगा भाई, अगर इतनी चुल है ना, इतनी अगर इतनी वो है दिक्कत है हमसे कि मैंने स्ट्रीट में 900 ले ली। और इसकी सारी स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग मुझ पर भी थी, लेकिन मैंने छोड़ मैंने डिलीट कर दिया। मैंने कभी शो नहीं करी ब्रो, क्यों करूँ यार, ये अपने स्ट्रीट का बंदा है। कल हमें ज़रूरत पड़ी थी, आज इसको ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई जो कर रहा कर ले, हम तो देख मज़े से अपनी राइड कर रहे हैं। बाकी हल्द्वानी की हम लोग मज़े ले रहे हैं, ले नहीं रहे अभी, हल्द्वानी जा रहे हैं, लेकिन हल्द्वानी के हम मजे लेने जा रहे हैं ब्रो। बाकी तो ये हो जाए ड्रैग, हो जाए ड्रैग, चलो चलो चलो, ओके हाँ ठीक है। और द UK07 राइडर अनुराग डोभाल भाई, तेरे को चैलेंज दे रहा हूँ कि तू कोई सी भी गाड़ी लिया व्हीली आ जा मेरे साथ, देखते हैं भाई कितनी लंबी लंबी वीली खींच के लेके जाता है। चलो कैसे आ रहे हैं भैंस की डांग। कितना प्यारा हाईवे भाई, हो
सच्ची कहो आज मजा आ गया। हम लोग ना 3 बजे निकल गए थे और अभी जो है टाइम हो रहा है 6:13, खुला है। ओहो डोवाल जी, विली हो जाए विली। हाँ जी डोवाल जी, क्या देख रहे हो? अपने फैंस को दिखा दो एक दो विली मारते हुए। मोटो व्लॉगर बन गए तुम फर्जी के। हाँ सही है भाई, सही है। हमारे दोस्तों बेवकूफ है जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, है ना? हमारे दोस्तों बेवकूफ है। बंदा कहता था 300 रुपए, 300 रुपए की स्टोरी फिल्म वगैरह बता दी अगर मैंने भाई, तुम्हारे ना हंस हंस के छक्के छूट जाएंगे यार। बागी जी ने बताया, उन्हें तो पता है यार, मेरे दोस्तों को, मेरे लोगों को, सब लोगों को पता है भाई। अगर मैं हर किसी से पूछवाने लग गया ना, हर किसी से, बंदा तो भाई फिर चैनल छोड़ो, बंदा खुद नहीं दिखेगा। बाकी भाई मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तुझसे बस एक बड़े भाई के उससे बात करी थी कि चल मैं इसकी हेल्प कर दूँगा, कभी इस बंदे को ज़रूरत पड़े मैं इसका साथ दे दूँगा। बट बंदे को तो है कि अपना वो क्या बोलते हैं, बंदे को है कि वो करना है क्या, मैसेज लीक करवाने। अरे वो उसे जानता है तू, बाबू भैया को? बाबू भैया को जानता है तू? उसे कुछ कहना चाहेगा? मैं कह रहा था चैलेंज दे देते हैं, चैलेंज कितनी लंबी बिलियां लेके जाता बंदा। मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज रहती है, वर्ल्ड का मोटो व्लॉगर कैसे बना दिया जिसको कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है, स्किल्स ही नहीं है। चलो चलो, इधर आ रहा है। हाँ जी डोवाल जी, फिर से देखा गया कुछ। ओ भाई अब नहीं मार रहा भाई मैं बिली, अब तो मेरे घर वाले मेरे लट देंगे लट। मेरे घर वाले कहते हैं जिस दिन तेरी गलती हो गई, जिस दिन तू गलत नजर आ गया, उस दिन तो देख कि हम ही सबसे पहले तेरे हाल बुरे करेंगे। बट मेरे घर वालों को सारा सीन मैंने पहले से ही बता रखा है, कुछ ऐसा ऐसा है। मैंने Z900 ले लिया, बंदा मेरे साथ बहुत ज़्यादा चूल ले रहा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन भाई मैंने हर किसी को सब चीज़ बता रखा है, हर किसी को पता है, हर किसी को रही। हम काफ़ी सारा ग्रुप है यार, बहुत देहरादून का जितना भी ग्रुप है ना, हर किसी के मुंह पे ना गालियाँ रहती है। लोग कहते हैं मेहनत, वो झूठी मेहनत दिखाई गई है भाई, झूठी। कौन सी मेहनत? 300 रुपये वाली दवा है भाई, जोलो चिप्स के लिए नेगी भाई वहीं से हुआ था ना भाई वायरल। उसके बाद वो थानों में कपड़ा फेंक दिया था पेड़ के ऊपर, फेक गोस्ट वाली वीडियो, ये मेहनत होती है मेहनत? वाओ नाइस, हम तो बहन जो पागल है ना, ये 250-300 किलोमीटर कर रहे हैं। भाई जी की तो हालत खराब हो जाती है, आते रास्ते से मूड स्विंग हो जाते कि चलो वापसी चलो घर को। पर भाई जी का तो अभी हम लोग ना यहाँ पे रुके थे तो भाई लोग मिल गए थे। भाई यहाँ से कितने दूर है? 100 किलोमीटर। चलो ठीक है चलो। सो बॉयज एक और बार फिर अपना गाड़ी का फ्यूल अप हो रहा है, धोखा नहीं दी, बस 800 ने गई हमें चल गई है। बट अभी भी इस पर दिखा तो रहा है 57 किलोमीटर्स।
लेकिन ये 85 था, लेकिन ये 57 आ गया भाई। फ्लाईओवर में कहीं पेट्रोल पंप ही नहीं मिला दूर दूर तक, वो तो दूर से ये चमक गया वहाँ से। तो फिर आ गए यहीं पे फ्यूल अप करवा रहे, तो फ्यूल अप करवाते हैं और बस यहीं से जो है 90-95 किलोमीटर और है भाई। आज ही करना है हम लोगों को पूरा, 8 बज चुकी है। हमारे घर वाले तो खाना बना रहे होंगे लेकिन उन्हें नहीं पता, लड़के सुबह दिन से गाड़ी चला रहे हैं। और भाई आज ना घर से यहाँ तक इतनी सारी चीज़ें देखने को मिली, इतनी सारी चीज़ें देखने को मिली ना भाई, तुम्हें सब बताऊँगा मैं। जहाँ पे अभी हम लोग पहुँचेंगे ना वहाँ पे रुक के तुम्हें सब बताऊँगा मैं। इंस्टाग्राम में चेक करना बाकी। मैं तो भाई पहली बार एक्सप्लोर कर रहा हूँ, पहली बार। हल्द्वानी यहाँ से 35 या 30 किलोमीटर है, पास ही है, बहुत पास है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तुरंत लगा देंगे गाड़ी, लेकिन भाई यहाँ चेक करो 3:25। ओ भाई यहाँ लगी रोला बजा रखा लॉन्डो ने की। ओहो देखो देखो देख मार दी। ऐसे ऐसे नमूने भी है भाई यहाँ। भाई मेरी तो बॉडी ना बहुत दर्द कर रही भाई, अब हालत खराब। तो फाइनली हल्द्वानी पहुंच गए और हम किससे मिलने जा रहे हैं पता है किसी को? नहीं पता तो भाई नेक्स्ट वीडियो को इंतजार करना, और नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें देखने को मिलेगा एक स्टार जो हमारे बीच का लौटा है यार। बाकी मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, सरप्राइज है, वो तुम्हें सुबह रिवील कर देंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग पे। वो भाई कैसा मार्केट है ये देख रहे हो, छोटी सी नदी और छोटा सा सब्जी का मार्केट। इसी दे रूम में मिलते तुम्हें हैं।